हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसीटी स्कोरर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल का पार्ट नंबर 2 के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं एमएस एक्सेल जीरो लेवल से एडवांस एक्सेल तक का पार्ट नंबर 2। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं, एक्सेल में विभिन्न प्लेसेस को बोलते क्या हैं, और सेल क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, कितने रो होते हैं और कितने सेल होते हैं और कितने कॉलम होते हैं, हमने ये सीखा था। और सेकंड वीडियो में हम कुछ नई चीज़ों को सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कुछ डेटा रख लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे रखा रोल नंबर, रोल नंबर। ओके, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो रोल नंबर है अपना, ये टेक्स्ट बड़ा है किसके कंपेयर में, सेल के कंपेयर में। मतलब जो अपना सेल छोटा है, लेकिन जो यहाँ पर अपना लेटर है, अपना करेक्टर है, अपना रोल नंबर शब्द है, ये सेल से बाहर जा रहा है। तो इसको हम यहाँ पर सेट कैसे करेंगे। ओके, तो इसको सेट करने के कई तरीके हैं। पहला ये कि आप यहाँ पर कर्सर ले जाइए, ए और बी के बीच में जो कॉलम पे ये दिखाई दे रहा है लाइनिंग, यहाँ पर डबल क्लिक करिए, या फिर आप यहां पर माउस को प्रेस करके और लेफ्ट या राइट की ओर ऐसे ड्रैग कर दीजिए, तो हम यहां पर देख पाएंगे कि ये रोल नंबर सेट हो रहा है। अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमने लिखा यहां पे स्टूडेंट नेम। ओके, इसको भी हमें अगर सेट करना है तो डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये उस सेल के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे रोल नंबर लिखा सपोज 101। ओके, अब 102, 103, 104 हमें ऐसे क्रम से ही लिखते जाना है। तो हम यहाँ पर नंबर टाइप नहीं करेंगे, बल्कि हम एक फैसिलिटी का यूज़ करेंगे ड्रैग का। ओके, तो हम ये चाहते हैं कि जैसे नंबर 101 से स्टार्ट हो और ऑटोमेटिक 101, 102, 103, 104 इस तरह से ऑटोमेटिक आता जाए। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर सेल पे आपको कर्सर ले जाना है और यहाँ पर कॉर्नर पे, कोने पे आपको ऐसे कर्सर रखना है, और जब ये पतला सा प्लस का आइकॉन बन जाए तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखना है। ओके, और लेफ्ट माउस की को नीचे की ओर ऐसे ड्रैग करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये नंबरिंग बढ़ रही है। ओके, ये देखिए हमने शुरू किया था 101 से, ऑटोमेटिक 102, 3, 4, 5 ऑटोमेटिक ये आने लगा, और आप नीचे तक जहाँ तक ले जाना चाहते हैं वहाँ तक ये नंबरिंग ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता जाएगा। हम चाहते हैं 5 से अगर आपको आगे ले जाना है तो आप यहां पर कर्सर ले जाइए कॉर्नर पे, नीचे जब ये प्लस का आइकॉन बन जाए पतला सा, अभी देखिए हम मोटा सा आइकॉन बन रहा है प्लस का, अब जब कॉर्नर पे ले जाते हैं तो ये पतला सा आइकॉन बन जाता है प्लस का। अब माउस को प्रेस करके और कंट्रोल होल्ड करके, कंट्रोल बटन दबा करके और माउस ड्रैग करके नीचे की ओर आप ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक फिर से बढ़ने लगेगा नंबरिंग। ओके, ये अपना हो गया रोल नंबर इंक्रीमेंट करने का, और स्टूडेंट के नाम हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ओके, हमने यहाँ पे स्टूडेंट दे दिया। ओके, सभी स्टूडेंट अलग अलग होंगे तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट अलग अलग दे दिया। ओके, अब यहाँ पर अगर हमें लिखना है पीसी नंबर, स्टूडेंट किस पीसी नंबर पे बैठा हुआ है, तो हम पीसी नंबर को अगर ऐसा लिखना चाहें, कंप्यूटर नंबर को या फिर सिस्टम नंबर, सिस्टम नंबर अगर हमें अलॉट करना है कि C00C001। ओके, अगले सिस्टम का नंबर है C002, C003, C004, 5, 6 इस तरह से,
तो हमें अगर ऐसे नंबरिंग करना है तो क्या करेंगे कि यहाँ पर कर्सर ले जाएंगे, जब प्लस का आइकॉन बन जाए तो इसको हम नीचे की ओर ड्रैग करेंगे। याद रहे कि हम यहाँ पर कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे, ठीक है, तब ये नंबरिंग 1 2 3 इस तरह से बढ़ता जाएगा, ओके। लेकिन अगर हम यहाँ पर कंट्रोल यूज़ करते हैं तब क्या होगा, तो अगर हम यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, सेम नंबरिंग ड्रैग होगा, सी 1 1 1 1 1 1 इस तरह से ड्रैग होगा। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पर इस वाले सेल के अंदर और इस वाले सेल को जब हमने ड्रैग किया है तो दोनों में अंतर क्या है। देखिए क्या होता है कि जब हम नंबर को ड्रैग करेंगे कंट्रोल के साथ नंबर को हम ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक 1 1 2 इस नंबरिंग बढ़ती जाएगी, ओके। लेकिन जब हम करेक्टर के साथ, देखिए यहाँ पर सी क्या है, करेक्टर है यहाँ पर, और जब करेक्टर को हम किसी नंबर के साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो अगर हमें इंक्रीमेंट करना है तो हम बिना कंट्रोल प्रेस किए डाउन प्रेस करेंगे, नीचे की ओर करेंगे, तब वो बढ़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये नंबरिंग बढ़ेगा नहीं, ओके। तो ये दोनों में अंतर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये डाटा अपना यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, ओके। अब यहाँ पर मान लीजिए कि अपने 1000 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे सेल पे डाटा नहीं है, यहाँ पे सेल पे डाटा नहीं है, तब इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें अगर डिलीट करना है, सपोज़ यहाँ पर ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, तो जो जो ब्लैंक है हमें उसको केवल डिलीट करना है। तो हम अगर चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, कैसे कि संबंधित रो पे क्लिक करें वो सेलेक्ट हो जाएगा, और सेलेक्ट होने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट राइट ऑप्शन आ रहा है और डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और फिर से ये डिलीट, तो जो ब्लैंक है उस वहाँ वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट होता जाएगा। लेकिन बात ये है कि अगर हमारे पास हजारों स्टूडेंट हैं तो हम सभी जगह पर जा करके राइट क्लिक करके और डिलीट तो कर सकते हैं, लेकिन क्या लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम ज़्यादा टेकन होगा, टाइम ज़्यादा लेगा। तो हम ऐसा क्या करें कि ये जो हमारे सेल हैं, ठीक है, जो हमारे ब्लैंक हैं, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, एक साथ डिलीट हो। तो इसके लिए अगर आप दूसरा सुविधा यहाँ पे समझ रहे होंगे कि यहाँ पर हम कंट्रोल प्रेस कर देंगे और कंट्रोल प्रेस करने के बाद 5 पे प्रेस करेंगे, फिर 7 पे करेंगे, तो जो जो सेलेक्ट है उसको हम डिलीट कर दें, तो ये भी टाइम टेकन है, क्योंकि एक साथ तो हम सेलेक्ट कर नहीं पा रहे हैं यहाँ से, बाकी तो हम डिलीट यहाँ से राइट क्लिक करेंगे ये डिलीट हो जाएगा, ओके। परंतु अगर हमें एक साथ करना है और एक साथ सेलेक्ट भी करना है तब उस कंडीशन में क्या करना होगा, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जी का यूज़ करेंगे। तो कंट्रोल प्लस जी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस जी से गो टू डायलॉग बॉक्स खुलता है, और गो टू डायलॉग बॉक्स जब खुल जाएगा तो आपको जाना है कहाँ पे, स्पेशल पे जाना है, और स्पेशल के अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसे आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन आपका यहाँ पे वर्क क्या है, वर्क ये है कि जो सेल खाली है, ब्लैंक है, उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक कमांड क्या दिया है, ब्लैंक्स, जो खाली है उसको सेलेक्ट करना है, ओके। और हमने किया ओके, तो इस सेल के अंदर, इस डॉक्यूमेंट्स में, इस शीट में, जहाँ जहाँ पे ये सेल खाली है, जहाँ पे हमने लिखा हुआ है, उस वो हो गया सेलेक्ट। अब सेलेक्ट हो जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, एक साथ डिलीट कर सकते हैं। और रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए, सेलेक्टेड रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस माइनस, ओके। कंट्रोल मतलब कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे एक हाथ से, दूसरे हाथ से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल और माइनस, कंट्रोल माइनस करेंगे तो एक यहाँ पर डिलीट नाम का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और ओके करेंगे तो ये सेल अपनी डिलीट हो जाएगी, ओके। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।